डॉक्टर वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूँ वीरेंद्र आयुर्वेदा चैनल पर। मैं आपको आज रक्तज घोल रोग के बारे में परिचय और चिकित्सा बतला रहा हूँ। तो रक्तज घोल जो है स्त्रियों में पाया जाता है और नवीन प्रसव होने पर या गर्भस्राव होने या गर्भपात होने पर ऋतु काल में स्त्री जो है अहितकर आहार विहार के सेवन करने से गर्भाशयगत प्रकुपित वायु रक्त को अवरुद्ध करके पीड़ा तथा दाह से युक्त गुल्म रोग का उत्पत्ति करता है। गुल्म रोग जो है गर्भ के समान सभी लक्षण होते हैं। जिस तरह पेट में बच्चा होता है उसी तरह गुल्म का भी पेट में गुल्म होने के बाद गर्भ के समान लक्षण होते हैं। केवल एक पिंड के रूप में कंपन करता है, यानी उदर में पेट में एक कंपन हल्का कंपन करता है। जिस तरह बच्चा चलता है या कंपन होता है फर फर, उसी तरह कंपन करता है। इस गुल्म में हाथ और पैर आदि किसी अंग का कंपन नहीं होता है। यह जो है अधिक समय तक पिंड के रूप में कंपन और पीड़ा करता है, इसी को रक्तज गुल्म कहते हैं। मैं आपको चिकित्सा बतला रहा हूँ। आंवला का फल का रस जो है 20 ग्राम ले लीजिए और मिर्च जो है 1 ग्राम लेकर दोनों को फेंट कर प्रतिदिन खाने से रक्तज गुल्म जो है समाप्त हो जाता है। और दूसरा दवा मैं बतला रहा हूँ, गुल्म कुठार रस 120 मिलीग्राम लेकर प्रातः जल के साथ और संध्या को भी 120 मिलीग्राम जल के साथ सेवन करने से रक्तज गुल्म जो है समाप्त हो जाता है। और भोजन के बाद दो बार भोजन करता है मनुष्य या स्त्री, तो भोजन के बाद कुमरियासो जो है 20 ml और 20 ml पानी मिलाकर पीने से रक्तज गुल्म जो है सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक एवं शेयर जरूर करें। जय धन्वंतरी, जय आरोग्य।